हे hey, नमस्कार दोस्तों, ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया शेयर के बारे में बात करेंगे आज। एक टेक्सटाइल कंपनी है, एक सेक्टर की बहुत ही उम्दा कंपनी है। मैं उसको अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 4 पॉइंट से लेके आप देखेंगे 52 वीक हाई में जिस तरीके का रिटर्न हमें देखने को मिला था वो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न था। अराउंड आप देखेंगे 4 से लेके हमें करीब से करीब 5 गुना रिटर्न उसमें देखने को मिले थे प्रीवियस टाइम में। रिसेंट प्राइस में अगर आप देखेंगे तो हमें ये ऑलरेडी 52 वीक लो पर ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिला है। आप देखेंगे तो आज का लो जो था वो 4.45 तक भी गया था। सो कहीं ये मूवमेंट इन्वेस्टर्स को परेशान करता है कि क्या अब हमें आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे 69.53 करोड़ है, एंटरप्राइज वैल्यू 160 करोड़ का है। वहीं आप इसके पास कैश देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं है बट डेप्ट कहीं ना कहीं कंपनी के पास ज़्यादा है, 90 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी मेंटेन करके रखी हुई है, बुक वैल्यू 3.51 का है। वहीं अगर आप प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ देखने को हमें मिला है ईयरली बेसिस पर। नाउ क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूँ वो एज ऑलवेज आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग बहुत मैटर करती है स्टॉक के अंदर। FIDIs की कोई भी एंट्री नहीं है स्टॉक में, जहां पब्लिक होल्डिंग देखेंगे 39.54% की है। सो इसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स की एंट्री डेफिनेट पॉइंट पर मेंटेन करके रहेगी। सो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल बात करते हैं इसके रिजल्ट की। आप देख सकते हैं हमें फिलहाल में मार्च से लेकर जून के क्वार्टर में तो बढ़त देखने को मिली है बट कहीं ना कहीं हमें दिसंबर में प्रीवियस टाइम के 2021 के रिजल्ट से गिरावट देखने को मिली है। सो ये भी एक पॉइंट टू बी नोटिस हमें करना चाहिए बिकॉज 1.61 से तो हमें अभी के टाइम पे ग्रोथ देखने को मिली है बट यहाँ से अगर कंपेयर करें तो डाउनवर्ड ट्रेंड चला है। अगर हम बात करें स्टॉक में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप देखेंगे तो 131 करोड़ जो कि 2021 में स्टार्टिंग में थे, वहीं अगर आप जून के क्वार्टर की बात करेंगे 2022 में तो आपको 258.77 करोड़ के इसमें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स देखने को मिलेंगे। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है स्टॉक के अंदर, जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें ईयरली बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर। देखिए कंपनी में जो सडन मूवमेंट्स हमें देखने को मिली हैं प्रीवियस टाइम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके का मूवमेंट हमें फिलहाल में देखने को मिल रहा है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड का मूवमेंट माना जाता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे अपसाइड ट्रेंड था, डाउनवर्ड आया, फिर अपसाइड ट्रेंड है और देन डाउनवर्ड अगेन से आने वाला है। जो स्टॉक का प्राइस पॉइंट इन रियलिटी देखा जाता है वो है 3.72 रुपीज़। तो जब तक ये स्टॉक 3.72 रुपीस तक नहीं जाता है इन द डाउन ट्रेंड तब तक हम स्टॉक में बाइंग प्राइस नहीं बनाएंगे। सो हमें 1 रुपये और गिरने देना है स्टॉक को अगर आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं। तो देखिए स्टॉक में सडन मूवमेंट आते हैं ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, और एक अच्छे खासे प्रॉफिट रेशियो के साथ स्टॉक हमें रिटर्न दिखाता है करीब से करीब 3 से 4 गुना। बट अगर हम बात करें कि जब हमें बाइंग करनी होती है ना तो वो एक अच्छा पॉइंट मिलना चाहिए। अभी अगर आप बाय करेंगे स्टॉक को तो आपको सडन मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, 1 रुपये तक का लॉस देखने को मिलेगा जिससे आप पैनिक करेंगे और इसमें सेलिंग क्रिएट कर देंगे। फिलहाल मैं बात करूं 3.75 रुपीज पर बाइंग करें स्टॉक में, मूवमेंट आपको एकदम से देखने को मिलेगा। एग्जिट करने का मैं आपको पॉइंट बताता रहता हूं जब भी बाय की अगर आपको मैं सलाह दे रहा हूं तो उसमें एग्जिट पॉइंट भी बताऊंगा। सो फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। 3.75 पर करनी है हमें बाइंग। अभी स्टॉक में हल्की सी गिरावट आपको और देखने को मिलेगी इन द अपकमिंग टाइम।